नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नहाने के दौरान डूबने से 5 बच्चों की गई जान, पूर्वी चंपारण जिले के चकिया का है मामला। एसएसबी के जवानों ने की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब हुआ बरामद। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा मोतिहारी में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मनरेगा पार्क के पुनः निर्माण में राजद ने लगाए अनियमितता के आरोप, पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड का है मामला। और सड़क पर कीचड़ और जल जमाव से परेशान थे लोग, सड़क मरम्मती के बाद मुखिया के प्रयास की इलाके में हो रही है सराहना। दाह संस्कार करने के बाद नहाने के दौरान 5 बच्चों की डूब जाने से मौत होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की मदद से प्रशासन ने 5 शवों को बाहर निकाल लिया है। बताया जाता है कि चकिया नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2 के फुलवरिया गांव में कल शाम एक व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद लोग वार्ड नंबर 1 अंतर्गत महनवा चवर में नहाने गए थे, जहां गड्ढे पानी में डूबकर 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में विनोद भगत का 12 वर्षीय पुत्र प्रवेश कुमार, रामनाथ प्रसाद का 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार, शंभू भगत का 12 वर्षीय पुत्र आशिक कुमार, शिवनाथ भगत का 12 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार एवं रूपलाल ठाकुर का 16 वर्षीय पुत्र रवि कुमार शामिल है। चकिया डीएसपी शैलेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम एवं स्थानीय पुलिस ने बच्चों के शव को आज बाहर निकाल लिया है, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं एक साथ 5 बच्चों के मौत से इलाके में सनसनी का माहौल है। तो उसको आए थे हम लोग जलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब जला गया, उसके बाद में लड़का यहाँ पर आ गया नहाने के लिए। दाह संस्कार करने स्नान ध्यान करते हैं लोग। स्नान करने के लिए आ गया। पांच गो लड़का आया था, 5 लड़का उसमें डूब गया। लगभग कितना उम्र का रहा होगा? अब उम्र तो अभी कोई 18 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, ऐसे ही। पूर्वी चंपारण का केसरिया विधानसभा सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में बना है। बताया जा रहा है कि एनडीए से कई दावेदार इस सीट से टिकट की उम्मीद लगाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी उरूज पर है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार टिकट के लिए दावे शुरू कर दिए हैं और पटना स्थित पार्टी कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अगर हम पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा सीट की बात करें, तो चुनाव की धमक सुनाई देते ही यहाँ के नेतागण टिकट की दावेदारी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं, जिसके कारण इलाके में प्रमुख पार्टियों के टिकट का आवंटन एक दिलचस्प विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी बीजेपी और जदयू से कई लोग दावेदार हैं, और सभी दावेदार खुद को पार्टी के पुराने अनुशासित और अनुभवी कार्यकर्ता बता रहे हैं, और टिकट मिलने पर जीत पक्की कर पार्टी की झोली में डालने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ के सिटिंग विधायक राजद के डॉक्टर राजेश कुमार हैं, और अगर राजद से इन्हें दोबारा टिकट मिलता है तो एनडीए का सीधा मुकाबला इन्हीं से होगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र गुप्ता को आरजेडी के डॉक्टर राजेश कुमार ने 15,947 वोटों के अंतर से पराजित किया था, और डॉक्टर राजेश कुमार को कुल 62,902 वोट मिले थे। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए से कई दिग्गज नेता अपनी अपनी दावेदारी का ताल ठोक रहे हैं, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल होने वाली पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की पुत्री व जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा हैं, वहीं भाजपा से रामशरण प्रसाद यादव एनडीए से प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। इस बीच खबर यह भी है कि महागठबंधन के घटक दल के कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, तो वहीं जन अधिकार पार्टी से डॉक्टर आरके दुबे टिकट की दावेदारी सुनिश्चित कर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं,
और सभी को बस इंतज़ार है चुनावी तारीखों के ऐलान का। वैसे फिलहाल केसरिया विधानसभा सीट राजद के खाते में है और डॉक्टर राजेश कुमार यहां से विधायक हैं, तो साथ में वे अपने जरिए किए गए विकास के फैक्टर से लेकर अनुभव के मामले में खुद को फिर से विजेता के रूप में देख रहे हैं। तो वहीं पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र में मेहनत कर पार्टी और संगठन को मजबूत करने और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का दावा करने वाले जदयू के राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रबल मानते हैं और खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताते हुए कहते हैं कि पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी है उसे उन्होंने पूरा किया है और उनका दावा है कि अगर केसरिया का नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिला तो वे केसरिया की तकदीर बदल देंगे। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल होने वाली शालिनी मिश्रा खुद को टिकट का दावेदार मानती हैं। उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं और पिता के जरिए किए गए कामों को जन जन तक पहुँचा रही हैं और कहती हैं कि अगर जनता ने मौका दिया तो पिताजी के अधूरे कामों को पूरा कर वे केसरिया की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर विकास का जाल बिछा देंगी। केसरिया विधानसभा से ही टिकट के दावेदारों की बात करें तो 2010 और 2015 में सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके और अब बीजेपी का दामन थाम चुके रामशरण प्रसाद यादव आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर ताल ठोकने को तैयार हैं। रामशरण यादव केसरिया में बीजेपी को मजबूती देने का दावा करते हैं, साथ ही खुद को अनुशासित सिपाही भी बताते हैं। तो कांग्रेस से टिकट की आस लगाए पूर्व प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव को भरोसा है कि उन्हें पार्टी टिकट देगी। चुनाव जीतने को लेकर सुमित्रा यादव कहती हैं कि इस क्षेत्र में उम्मीदवार बदलने का फायदा गठबंधन को सीट पर मजबूत जीत के रूप में मिलेगा। तो वहीं जन अधिकार पार्टी से ताल ठोकने को तैयार डॉक्टर आरके दुबे कहते हैं कि इस बार जनता विकल्प के रूप में मुझे देख रही है और केसरिया की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है और उनका विधानसभा जाना तय है। तमाम पार्टियां और उनके दावेदारों के अपने अपने दावे हैं। उम्मीदवार अपने अपने तरीके से टिकट को लेकर ताल ठोक रहे हैं और हर उम्मीदवार अपने अपने गणित के आधार पर जीत का दम भर रहे हैं। अब केसरिया का ताज किसके सर चढ़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। सुनना तो उन लोगों में से है जो खड़े होंगे, लेकिन देखा गया है कि जिस उम्मीद से हम लोग वोट देते हैं कोई जीतते हैं उस उम्मीद पर कोई कायम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं वोट तो देते ही हैं, देवे करेंगे, लेकिन अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ। वोट किस रूप में जाएगा, जो काम करेगा उसको दिया जाएगा, आएगा समय तो देखा जाएगा। बहुत सारे नए उम्मीदवार आएंगे तो बहुत काम करेगा उसको दिया जाएगा। क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा केसरिया? केसरिया से जो अच्छा व्यक्ति होगा, पारिवारिक होगा, वो जीतेगा। वोट देने के लिए हम लोग अपन विचार कर रहे हैं, देश के स्थिति के हालात है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज पेट्रोल से ज़्यादा टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है। आपके क्षेत्र से बहुत सारे नए उम्मीदवार भी आएंगे? नए नए उम्मीदवार आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे जो उस काबिल होंगे, जो देश के अच्छा सोचेंगे, जो हमारे राज्य के बढ़िया सोच करेंगे, हमारे लिए जो करेंगे, हम लोग नए प्रतिनिधि में किसी को चुनेंगे और चुनकर हम उसी को अपना सप्ताह में सरकार बनाने के लिए भेजेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पूरे बिहार में पूर्वी चंपारण जिले का 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश में केसरिया विधानसभा हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है, चूंकि एनडीए से लगभग आधा दर्जन नेता यहां से अपने अपने टिकट की दावेदारी का ताल ठोक रहे हैं, जबकि केसरिया महागठबंधन के घटक दल राजद के खाते में है। राजद से यहां पर सिटिंग एमएलए डॉक्टर राजेश कुमार है, लेकिन इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी ठोक कर महागठबंधन में एक बहुत बड़ा सस्पेंस बरकरार कर दी है। अब टिकट महागठबंधन हो या एनडीए हो, किसके खाते में जाता है और केसरिया का ताज किसके सर चढ़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन नंदन के साथ मैं अफसर कमाल, एचटीवी न्यूज। अफसर कमाल की रिपोर्ट, एचटीवी न्यूज केसरिया।
सीतामढ़ी बीसवीं वाहिनी कुंडवा चैनपुर एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा से सटे पिलर संख्या 246/6 से नेपाल निर्मित सौफी शराब के 612 एवं बैरोन शराब के 9 बोतल एवं एक ऑल्टो कार जब्त किया है। हालांकि इस दौरान कार चालक भागने में सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ गश्ती के दौरान एसएसबी के जवानों ने पिलर संख्या 348/2 के समीप से बाइक पर ले जा रहे 150 बोतल नेपाल निर्मित सौफी शराब को बाइक के साथ बरामद किया है। वहीं एक तस्कर को धर दबोचा है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान शिवहर जिला के सुगिया कटसरी निवासी कमलेश राय के रूप में हुई है। खबर की जानकारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने दी। वहीं इस खबर की पुष्टि कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष संजीव रंजन ने की है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड मुख्यालय स्थित परिसर में 8.5 लाख से पुनः निर्माण हुए मनरेगा पार्क में अनियमितता का आरोप प्रखंड राजद ने लगाया है। प्रखंड युवा राजद अध्यक्ष मुकेश यादव ने मनरेगा पीओ को दिए हस्ताक्षर युक्त शिकायत पत्र में बताया है कि मनरेगा में पुनः निर्माण कार्य के नाम पर मुखिया रोजगार सेवक की मिलीभगत से रुपयों का वारा न्यारा कर दिया गया है। अब इस मामले में सच्चाई क्या है, ये तो जाँच का विषय है। रामगढ़वा प्रखंड परिसर में पोखरा एवं नया पार्क का निर्माण मनरेगा कार्यालय से यहाँ रामगढ़वा प्रखंड के स्थानीय मुखिया चंद्रिका प्रसाद जी के द्वारा कराया गया, जिसमें लगभग 8.5 लाख रुपया का लागत से यह कार्य का निर्माण हुआ है, जिसमें सरकारी पैसा का गबन करके लूट खसोट कर उसको हम मनरेगा पीओ से यही मांग किए हैं कि उसका एस्टीमेट का जो लिखित हमको आवेदन प्राप्त कराया जाए, जिसमें 8.5 लाख रुपया का लागत कहाँ हुआ है। मोतिहारी स्थित एक होटल में राजद अति पिछड़ा जगाओ बिहार बचाओ प्रवास यात्रा के तहत राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद सह राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सहनी मौजूद थे। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता जिला राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी ने मंच संचालन एवं अध्यक्षता की। इस दौरान राजद के पप्पू सहनी, संजय निराला, शाहिद अख्तर, लाल बाबू खान, मुमताज अहमद, जिला मीडिया प्रभारी जावेद अहमद आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद प्रोफेसर रामपाल सिंह चंद्रवंशी ने कहा, ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का है, उसके तत्वाधान में अति पिछड़ा जगाओ बिहार बचाओ और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाओ अभियान के तहत हम लोग मुजफ्फरपुर से प्रथम चरण की शुरुआत किया है। आज द्वितीय पड़ाव के रूप में मोतिहारी हैं, कल हम लोग बगहा रहेंगे, उसके बाद बेतिया रहेंगे, उसके बाद गोपालगंज और कई जिलों का दौरा का कार्यक्रम बना हुआ है, सब साथियों को मालूम है। और आज इस कोरोना के संकट काल में भी हम लोगों ने रिस्क लेकर के यह तय किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाला जो है उस चुनाव में अपने लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बना सके। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत स्थित गढ़वा लालू चौक के मुख्य सड़क में कीचड़ व जल जमा हो जाने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परेशानी को देखते हुए हरपुर गढ़वा के मुखिया पति अली असगर ने अपने निजी कोष से अपने पंचायत के आधा दर्जन से अधिक वार्डों में 30 टेलर से अधिक ईंट के टुकड़ों से सड़क का निर्माण करवाया है। गांव के लोगों ने मुखिया के इस प्रयास की सराहना की है तथा ग्रामीणों में हर्ष है। ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रकार का प्रयास कर लोगों के जीवन में खुशियां लाना असली जनप्रतिनिधि का काम होता है। करीब हजारों की आबादी वाले इस गांव के लोगों के लिए यह सड़क वरदान से कम नहीं है। क्योंकि हमारे पंचायत के कुछ वार्ड हैं, 16 नंबर वार्ड है, 8 नंबर है, 19 नंबर है, 9 नंबर है, 14 नंबर है, इतना ना बुरा स्थिति हो गया वहाँ लोगों को, पैदल चलना मोटरसाइकिल चलना दुश्वार हो गया था। तो हमने अपने निजी कोच से टुकड़ा और आवेश ले जाके लगभग 30 से 35 टेलर लगभग 50 से 60 हज़ार के लागत में अपने निजी कोच से उसको भरवाया, जिससे लोगों का कठिनाई दूर हो और लोग आ जा सकें। क्योंकि तो इसमें जाने का एक मार्ग लालू चौक था और बिल्कुल बाधित था, लोग पैदल गिर जाते थे, महिलाएँ गिर जाती थी, तो उसको बनवाया गया और जल जमा हुआ हो गया था, तो उसको ख़त्म करते हुए लगभग 5-6 जगह वैसा मैंने जर्जर स्थिति में था, जो चलने लायक नहीं था,
एक गढ़वा मदरसा वाला गली था, एक कोई टोला का जो मंदिर वाला रास्ता था, और एक लालू चौक, और हमारे यहाँ एक तेलिया चौक है, और एक बरपाती पुल के करीब है। सबों को हमने दुरुस्त कराया और अपने निजी कोष से उसका खर्च किया। रक्सौल नगर पालिका क्षेत्र में जल जमाव को लेकर यहाँ के समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन किया है। खबर के मुताबिक समाज सेवी रंजीत सिंह अध्यक्ष स्वच्छ रक्सौल के द्वारा इस संबंध में पूर्व में एक आवेदन रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को दिया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि शहर में हल्की बारिश होने पर भी लगभग रक्सौल नगर पालिका के सभी वार्डों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से शहर के मेन रोड या वार्डों के गलियों से गुजरना दुश्वार हो जाता है, जिसमें मुख्यतः हरैया थाना के गोदाम रोड होते हुए डंकन या कस्टम तक बुरा हाल रहता है। मिट्टी के कचरे से भरा हुआ सड़क नजर आता है, जिस पर एम्बुलेंस या और आवश्यकता वाली गाड़ियों का चलना दुश्वार रहता है। मोहल्ले के लोगों के लिए जीवन यापन करना नर्क भरी जिंदगी से भी ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसमें बच्चों को खासकर परेशानियां होती है। लेकिन जब स्वच्छ भारत के द्वारा दिए हुए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संस्था के अध्यक्ष रंजीत सिंह की टीम रक्सौल नगर पालिका के प्रांगण में धरना पर बैठ गई। इस संबंध में एसटीवी न्यूज की टीम जब कार्यपालक पदाधिकारी गौतम कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि रक्सौल छोटा शहर है, इस शहर में दो निर्माण कार्य हो रहे हैं। इन दिनों जैसे मेन रोड में बाटा चौक से लेकर बाईपास तक रोड निर्माण का काम चल रहा है, साथ ही सैनिक रोड बन रहा है। उन दोनों सड़कों की ऊंचाई है जिसके कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ की 2500 वार्ड में समस्या है, जहाँ समस्या है वहाँ पे विचार किया गया है। माननीय मुख्य पार्षद महोदय को अवगत कराया गया है, और जहाँ लो लैंड एरिया है वहाँ के बारे में भी विचार किया जा रहा है, और विचार के उपरांत अभी तत्कालीन जो समस्या है उसको तो पंपिंग सेट लगा करके, जैसे दो एरिया इसमें है शहर में जहाँ पे जल जमाव की स्थिति बन रही है, और दोनों के दोनों लो लैंड पड़ता है, चारों तरफ से ऊंचा ज़मीन है और आबादी भी बहुत ज़्यादा घनी नहीं बसी है, जैसे 20 नंबर 24 नंबर के साइड में। एक तरफ सैनिक रोड निकल गया है, काफ़ी ऊंचा बन गया है, वो पहले बरसात के पानी जो है वैसे ही रोड से होकर के निकल जाया करता था, खाली था, और फिलहाल जो पंपिंग सेट के थ्रू उसको निकाला जा रहा है पानी को, बरसात के उपरांत जो है इस पर बैठ करके विचार करके। इसको लेकर रंजीत सिंह और समाज सेवी पूर्णिमा भारती के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हमने उनसे बात की और उनके समस्याओं को जाना, साथ ही एसटीवी न्यूज की टीम रक्सौल शहर के 25 वार्डों में घूमकर वहां का जायजा लिया और जल जमाव की स्थिति को जाना। हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, माता बहने सब्जी खरीदने पढ़ने या किसी काम के लिए बाहर नहीं निकल पा रही है। इसके लिए 23 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया था कि जल जमाव से मुक्ति दिलाई जाए, परंतु ये नहीं हो पाया। इसके बाद हम लोग दिवस हो गए, आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। घर घर में इतना महामारी फैला हुआ है, जबकि हमारे रक्सौल में 20 बीमारी का आगमन हो चुका है, और इस स्थिति में ये सब पैसा का कारोबारी कर रहा है, सिर्फ पैसे से खरीद बिक्री हो रहा है, पैसे से सरकार गिर रहा है। काश ये नगर परिषद के सारे वार्ड पार्षद अगर इस कार्यक्रम के लिए अगर नगर परिषद चेयरमैन को गिराता तो बड़ी खुशी होती, लेकिन ये सबको नोट की पड़ती है। नोट की जब इन लोग की कमी होती है तो ये नगर परिषद का चेयरमैन पे विरोध प्रदर्शन करता है, सब अविश्वास प्रस्ताव लगाता है सब, और उसके बाद ये अपने अपने घर में पैक होके और सब जो है ऐश करने हिल स्टेशन जाता है सब, जिसका नतीजा है कि नगर परिषद को जो है इस भ्रष्ट परिषद का सामना पब्लिक को इस रूप में करना पड़ रहा है, इस सबको शर्म नहीं है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के निर्देश पर छतौनी थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर मास्क जाँच किया गया। इसके तहत छतौनी थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने थाना गेट पर मोटरसाइकिल टेम्पू पैदल यात्री बस आदि में लोगों के मास्क की जांच की गई, साथ ही लोगों को मास्क पहनने की नसीहत भी दी गई। मौके पर उन्होंने कहा कि आपकी एक गलती आपके परिवार के लिए समाज के लिए और देश के लिए भारी पड़ सकता है, जीवन काफी अनमोल है, इसको सुरक्षित रखकर ही जीने में भलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार जिला प्रशासन पुलिस डॉक्टर पत्रकार लोगों को जागरूक करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। गौरतलब है कि बेहतरीन पुलिसिंग के लिए जिले में छतौनी थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड में बाढ़ से पहले आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुधवार को ढाका हाई स्कूल के सभा भवन में संपन्न हुई।
इस दौरान सदस्यों को संबोधित करते हुए ढाका अंचलाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि स्थानीय मुखिया बाढ़ आपदा में आवागमन के लिए नाव का निर्माण करवाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। आपदा प्रबंधन में महज 2 नाव हैं जो विपदा के दौरान आवागमन के लिए कम हैं। उन्होंने कहा कि सक्षम मुखिया 4 चक्का की सवारी कर सकते हैं, तो जनता के आवागमन के लिए अपने स्तर से नाव का निर्माण कराएं या भाड़े पर परिचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इस मौके पर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ट्रायसम भवन में बुधवार को DPRO मोहम्मद शहादत हुसैन तथा SDO ब्रिजेश कुमार ने सरकार के महत्वाकांक्षी नल जल योजना को निर्धारित समय में पूरा करने को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की। निर्धारित समय में पूरा करने को लेकर अनुमंडल स्तरीय सभी वीडियो एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान DPRO ने आगामी 17 जुलाई तक हर हाल में नल जल का कार्य पूरा करने तथा गली नली योजना को गति देने के साथ साथ सरकार की अन्य योजनाओं को गति देने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं DPRO ने बताया कि निर्धारित समय तक लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर वीडियो चकिया अब्दुल क्यूम, मेहसी गौरी कुमारी, केसरिया आभा कुमारी, कल्याणपुर विनीत कुमार सहित अनुमंडल संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। छपरा सदर प्रखंड स्थित दियारे क्षेत्र के कोटवापट्टी रामपुर पंचायत के दयालचक गांव में बुधवार की देर संध्या हुई आगलगी की घटना में 2 मजदूर परिवारों की झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गया। इस घटना में कपड़ा, अनाज व बर्तन समेत घरेलू उपयोग के हजारों के सामान जलकर राख हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब मजदूरों के घर देर संध्या शाम का खाना बनाया जा रहा था, जिसके दौरान मनोहर महतो की झोपड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पास स्थित खप्तू महतो की झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पूर्व आग की लपटें भयावह हो उठी, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा मिट्टी, बालू व पानी फेंक कर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहीं इस घटना में बेघर हुए मजदूर परिवारों को स्थानीय मुखिया जयप्रकाश सिंह के द्वारा तत्काल भोजन एवं आवास की व्यवस्था कराई गई है। मुखिया ने बताया कि घटना की सूचना सदर CO को भी दे दी गई है, बावजूद उन्हें अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच बेलवा बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। बाढ़ के पूर्वानुमान को देखते हुए तटबंध पर सतर्कता बरती जा रही है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी है, जिसको लेकर प्रशासन चौकस है। वज्रपात से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज गुरुवार की सुबह बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ढाका जिला समिति की एक कार्यक्रम का आयोजन ढाका के निरीक्षण भवन में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में MLC बबलू गुप्ता, चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद, ढाका अध्यक्ष पप्पू चौधरी, जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी, ढाका युवा मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार सिंह सहित मंडल के सभी अध्यक्ष मौजूद थे। इस दौरान MLC बबलू गुप्ता ने कहा, देखिए ये जब नया इस बार का जो संगठन बना है उसकी ये पहली बैठक है और आप जानते हैं कि युवा ही देश के कर्णधार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम आप देखते हुए कि आज जो हमारे देश के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, JP नड्डा जी, किसी ज़माने में वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो आज उसकी पहली बैठक है और इस बैठक में जो कुछ काम है, जो संगठनिक काम है, वो काम हो रहा है, होने का निर्देश दिया गया है और हम किस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं उस उद्देश्य को बताने का काम आज यहाँ पर हुआ है। वहीं चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद ने कहा, आज जो यह बैठक थी ढाका जिला संगठन जिला बना है, इसमें नए संगठन की कार्य हुआ है, इसमें कुछ नए लोग आए हैं, पुराने लोग भी हैं, उसी की आज बैठक इसमें थोड़ा बहुत बात भी हुआ है कि सब लोगों को चुनाव का बिगुल भर चुका है, इसलिए सब लोगों को युवाओं को जितने भी BJP के युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, सब लोगों को अपने अपने घर पंचायत में क्षेत्र में लग जाना है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, चुनाव टाइम पर हो, चुनाव में कहीं कोताही नहीं होगा, जो डेट बढ़ेगा घटेगा इसकी कोई बात नहीं है, चुनाव तो टाइमे पर, इसलिए आज यह हम लोग नए भाजपा के
संगठन जिला का जो आज सदस्य लोग हैं उन लोगों को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया है। कुछ हम लोगों को जो पार्टी की कार्य खिलाफ होता है थोड़ा बहुत चर्चा भी हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत प्रखंड मुख्यालय से लेकर मुख्य बाजार होते हुए चीनी मिल के गेट तक हल्की वर्षा के पानी से जल जमाव तथा कीचड़ के कारण आम जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसको लेकर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा तथा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह ने सदर विधायक मदन मोहन तिवारी तथा अंचलाधिकारी से शिकायत किया है। दोनों नेताओं का आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्रखंड मुख्यालय प्रवेश गेट के सामने पिछले साल के भांति इस वर्ष भी बरसात के मौसम में जल जमाव तथा कीचड़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अंचल में अपने काम से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। मरीजों के स्वास्थ्य का इलाज करने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय से सभी प्रशासनिक अधिकारियों का इसी मार्ग से आना जाना होता है, सब कुछ देखते हुए भी प्रशासन बेफिक्र बनी हुई है। उन्होंने इसका मुख्य कारण बताया कि नाला नहीं होने से सड़क के अगल बगल लोगों के घर का पानी सड़क पर ही बहता है, जिससे हल्की बारिश होने पर भी करोड़ों की लागत से बनाया गया सड़क खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बाजार चौक चीनी मिल गेट के आसपास तथा पुराना पेट्रोल पंप तक सड़क की दुर्दशा इस कदर जल जमाव तथा कीचड़ में तब्दील हो गया है कि कई बाइक सवार चोटिल भी हो चुके हैं। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से आ रही है, जहां विगत दो दिन पहले ब्लॉक रोड के ध्रुव सराफ की पत्नी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उनको आनन फानन में एम्बुलेंस से पटना NMCS ले जाया गया, जहां लगभग दो घंटे तक एडमिट कराने के लिए उनके परिजन चक्कर लगाते रहे, गुहार लगाते रहे, तभी उनकी देहांत हो गई। जिसको लेकर आज शहर के पोस्ट ऑफिस मेन रोड चौक पर पूर्णिमा भारती की अध्यक्षता में दर्जनों महिलाओं व पुरुष ने वर्तमान मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और नारा लगाते हुए आक्रोश जाहिर की। वहीं इस दौरान पूर्णिमा भारती बोली कि इस तरह के 5 लोगों की मौत NMCS के गेट पर एडमिट करने के लिए गुहार लगाते लगाते हो गई। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज। सच की आवाज़। नमस्कार।